राम राम जी, राधे की रसोई में थोड़ा स्वागत है। आज आप पालक ने दो के एकदम बारीक काट लियो है, एक पकोड़ा बनाऊंगा जोरदार। तो सर्दी का मौसम में ये सब चीज बहुत अच्छी लगे है। मैं इकली पूरा पालक ले ली हूँ बारीक कटिंग करके। ध्यान रहे कि पालक ने जो आप कटिंग करांगा वो एकदम धो के साफ करके और फिर ऐ छोटा टुकड़ा में काटना हो। उनके बाद आप इसके अंदर मिलाऊंगा जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को मैं पेस्ट बना के तैयार कर रखी हूँ। पेस्ट मिलाऊंगा और पेस्ट मिलाने के बाद आप इसमें डालूंगा एक चम्मच नमक। और नमक अगर कम ज्यादा रह जाए तो ऊपर से काड़ो नमक थे बुरका सको हो। यो थोड़ा गर्म मसालो लियो है और गरम मसाला लेने के बाद में थोड़ी अजवाइन लूंगी मैं। और अजवाइन लेने के बाद में मैंने लेना है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ क्योंकि अदरक लहसुन हरी मिर्ची में डाल चुकी हूँ। और थोड़ा सा मैं काली मिर्ची पाउडर लूंगी। फिर देखो चटकार आदार है कि जोरदार बनेंगी, बहुत स्वादिष्ट। अभी का अंदर अपन पूरा मिक्स कर लिया आप मसालों बेसन में पालक में। अब बेसन मिक्स करूंगा। ये तरीका से बनाओगा तो ये थोड़ा अलग तरीको है, बहुत ही स्वादिष्ट लगोगे। जितना आप बनाओ बेसन मतलब वो पालक लेओगे उतना ही मिलाना है, पानी की गुंजाइश नहीं है, एकदम पानी ही मिलाना है अपन। तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी बने हैं और खाता खाता ही रह जाओगे एकदम आंगे चाटता ही। एक बार फिर तरीका से बना के देखियो। देखो अभी और जरूरत है बेसन ने, तो बेसन और डालांगा। इनमें कोई मतलब नाप वालों सिस्टम नहीं है। जितनो पालक आप लेवांगा वो पालक जितनो बेसन सोख तो जाओ उतनो ही आपने सिर्फ बेसन डाल लो, न कि बेसन गोल के उनमें पालक डाल लो। पालक की पकौड़ी थोड़ी दूसरी तरीका से बने है तो वो ज्यादा स्वादिष्ट बने और ज्यादा अच्छी लगा। आप इन्हें 5 मिनट के लिए भिजा के दबा के छोड़ देगा और तब तक आप कढ़ाई चढ़ाऊंगा उनमें तेल डालूंगा। तो मैं ये 8 सरसों का तेल में बनाऊं क्योंकि मैं बेसन का आइटम पहले भी बता चुकी हूँ, ज्यादा मैं सरसों का तेल में बनाया करूँ थे रिफाइंड में बना सको हूँ। बहुत सा लोग घी में भी कुछ बना के खाए हैं तो घी में भी बना सको हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी कोई तेल यूज लेता हो तो बना सको हो। तो कढ़ाई में मैं तेल चढ़ा दी हूँ, तेल अपनो गर्म है और देखो कितना बढ़िया सा हाथ मारे हुए बेसन को एकदम छोटी साइज में आप में डालता जाऊंगा। तो तेल पूरा एकदम गर्म होगा है, गर्म तेल अपन चाहिए और उसके बाद आप आँच की मीडियम या स्लो कर देंगे तो पूरा पक के तैयार हो जाएगा क्योंकि बेसन कम है पालक जाता है। तो सर्दी का मौसम का आनंद हमारी सादा सिंपल रेसिपी मैं थाने शेयर करूँगी। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा हौसलों बढ़ाया करो कि हाँ हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। साइड से आपने सीख चुकी है, अब आप पलट देंगे। देखो कितनी कुरकुरी कुरकुरी पकौड़ी बन गई है एकदम जोरदार, देखता ही मन झलक खाना है, बहुत लाजवाब चीज बना। ये आपने कुरकुरी पकौड़ी एकदम तैयार है। आवाज से ही समझ में आ रही है कितनी करारी और सुंदर बनी है पकौड़ी। देखो दोबारा से तैयार करना, ये आपकी पकौड़ी बनके तैयार है एकदम। तो थे भी जरूर सर्दी का मौसम में पालक की पकौड़ी बनायो, खायो और आनंद लीजिए।